हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी सुबह सुबह का टाइम हुआ है, साफ सफाई के सारे काम हो गए हैं और मैं नहा धो के आ गई हूँ, तैयार हो ली हूँ। अभी मेरे को मंदिर जाना है भोलेनाथ पे जल चढ़ाने, और उससे पहले है ना मैं खीर बननी रख दी हूँ क्योंकि आज अमावस्या है, तो जब तक आऊंगी थोड़ी बहुत तो पकी जाएगी खीर। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, हमारी गली में ही है ना, बिल्कुल 10 मिनट लगती है मेरे को। तो अभी मैं पहले खीर बननी रख दूँ, फिर जाऊंगी मंदिर। और आज 4 तारीख हो गई है, डेट बताना मैं भूल गई थी। तो एक बहन ने बोल रखा है भाई रोज़ डेट बताया करो, तो 4 तारीख हो गई। अभी तीजों के भी थोड़े से ही दिन रहे, 7 तारीख की तीज है शायद, तो अभी तो बस 3 ही दिन बच गए तीज के। और आज मेरी कोथली भी आएगी, मेरे भाई आएंगे। अभी तो मतलब नहीं, सुबह सुबह तो नहीं आ रहे क्योंकि सुबह सुबह पहले मेरी बड़ी बहन दिल्ली रहती है नांगलोई, उसके यहाँ जाएंगे और फिर उसके बाद मेरे पास आएंगे। 5 बहनें हो गई ना, तो इतना लेट तो हो ही जाता है, कभी कहीं जाना पड़ता है कभी कहीं, तो कई जगह जाना पड़ता है, तो इसीलिए लास्ट में मैं ही बची हूँ, सबसे लास्ट में मेरे पास आ रहे हैं। तो आज आ जाएंगे मेरी भी कोथली लेके, और बस अभी फटाफट खीर बननी रख देती। और आज तो है ना सुबह से ही हमारी मेहनत ट्रैक्टर लगा हुआ है, जो मिट्टी डाल रखी थी ना जगह जगह ऐसे, तो गोड़ी से उसको मतलब प्लेन कर रहे हैं मिट्टी को। और उस मिट्टी में पानी भर गया था, बारिश इतनी तेज हुई थी, 2-3 घंटे तक लगातार राम वर्षा था, तो पूरी मिट्टी कीचड़ हो रखा मतलब भीगी पड़ी है, तो वो देखो सारी गली में फैला दी। तो अभी सारी गली में ही कीचड़ हो गया है, और जो हमारे घर के आगे पानी खड़ा था ना, ये भी कीचड़ का था, तो ये आगे तक फैल गया, तो पूरी गली आज ऐसी हालत हो गई है। पता नहीं मंदिर भी कैसे जाया जाएगा, पार्क में से जाना पड़ेगा आज तो। और मंदिर से आ गई हूँ, पूजा पाठ करके आते ही रोटी बनाई है मम्मी, तो खीर के साथ रोटी खाती है, नमक डली हुई, तो खीर के साथ बहुत टेस्टी लगती है नमक डली हुई रोटी, मैं भी खाती हूँ। और बस रोटी बन गई है, अभी खीर भी बन गई है, चीनी और किशमिश पहले डाल दी थी, बस अभी काजू बादाम डालने बाकी थे तो वो भी डाल दिए हैं। और अभी मैं करूँगी घर पे पूजा, तो कान्हा जी को तो भोग लगाना बचा ही है, अभी कान्हा जी की फेवरेट खीर बनी है, तो वही कान्हा जी को भी भोग लगा देते हैं पूजा करके। गाय आई हुई है, रोटी दे देती हूँ गाय को, आ जा ले ले ले, कहाँ कीचड़ में बुलाएगी मेरे को, ले इधर आ जा, ले ले इधर ही आना पड़ा मेरे को, आई नहीं। और अभी है ना मैं दुकान पे जा रही हूँ ब्रेड लेने के लिए, क्योंकि है ना शाम मैंने आलू और बीन्स की सब्जी बनाई थी ना, तो वो बची हुई है, तो उसके सैंडविच बनाऊंगी। इतने वो खाई नहीं, थोड़ी सी खाई, बोले बचा के रखी है मैंने, सुबह इनके ब्रेड खाऊंगा इस सब्जी के, तो अभी ब्रेड का पैकेट ले आती हूँ भाग के, और फिर सैंडविच बनाएंगे टेस्टी वाले और खीर खाएंगे। अभी तक तो कुछ नहीं खाया है हमने, चलो ले आते हैं ब्रेड फिर सैंडविच बनाने। मेरे को इतनी बुरी हो रही है, निकले कहाँ से, कहीं से निकलने का रास्ता नहीं है, कहाँ से जाऊँ, इधर से थोड़ा थोड़ा यही उतरना पड़ रहा है सबको। और ले आई हूँ ब्रेड का पैकेट, बस अभी लग जाती हूँ सैंडविच बनाने। और चाय पत्ती है ना ख़त्म हो गई थी, अभी सामान ऑर्डर किया था ना तो उसमें हमने ये चाय पत्ती का पैकेट भी मंगाया था, उस दिन मैंने भरा नहीं क्योंकि उस दिन डिब्बे में थोड़ी सी बची थी, तो मैंने सोचा सारी ही ख़त्म हो जाएगी ना तभी डिब्बा भरूँगी, तो आज ख़त्म हो गई थी, अभी भर देती हूँ डिब्बा, काफ़ी दिन तक चलेगा हमारा एक चाय पत्ती का डिब्बा, क्योंकि हम ऐसे बार बार तो चाय बनाते नहीं, कोई आ जाता तब बनती है या फिर मम्मी की बनती है, मम्मी की कभी कभी तो दोनों टाइम बन जाती है, कभी एक टाइम और मैं कभी कभी पीती हूँ, तो काफ़ी दिन तक एक चाय पत्ती का डिब्बा हमारा चल जाएगा। और चाय बननी मैंने रख दी है, और घी देखो भाई फुल डोलू घी का भरा है, ये मैंने कल घी निकाला था ना, घी बनाया था मक्खन का, तो देखो 2 मलाई के कटोरे भरे थे उनसे इतना घी निकलाया है, फुल डोलू भर गया, मतलब 1.5 किलो घी हो गया ये। तो अभी मेरे सैंडविच बन के तैयार हो गए हैं, आ जाओ आप सब भी खा लो, गर्मा गर्म सैंडविच हैं, साथ में चाय है और ग्रीन चटनी भी बना रखी है, तो ग्रीन चटनी के साथ खाएंगे आज तो सैंडविच। कपड़े धोने डाल रखे थे मशीन में, तो एक बार के तो धुल गए हैं, एक बार के और बच रहे हैं, तो दोबारा मशीन लगाऊंगी। अभी दोपहर का 1 बज गया है और मेरा भाई आने वाला है थोड़ी सी देर में मेरी कोथली लेके,
तो पहले है ना मेरी बहन के यहाँ गया था, मेरी बहन दिल्ली रहती है बड़े वाली, सबसे बड़े वाली, तो पहले उसके यहाँ गया था और अभी इधर आ रहा था, दिल्ली से चल पड़ा। तो बस अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएगा, एक डेढ़ घंटा लगेगा, नांगलोई रहती है मेरी बहन, तो वहाँ से डेढ़ घंटा लग जाएगा गुड़गांव का। तो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे मेरे भाई मेरी कोतली लेके। चलो अभी फटाफट ये अपने काम निपटा लेती हूँ, जो कपड़े धोए वो सुखा देती हूँ और लंच वगैरह बना लेती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ खाने की। और आ गया है मेरा भाई मेरी कोथली लेके, और आते ही मैंने ना सबसे पहले ये पूछा कि खाने में क्या खाएगा, क्या सब्जी पसंद है वही बना दूंगी, पर मेरे भाई ने है ना मना कर दिया, बोला मैं बबीता के यहाँ, मेरी बहन बड़ी है ना दिल्ली रहती है जिसके यहाँ भी कोथली दे के आया है, तो उसका नाम बबीता है, तो बोला मैं तो बबीता के यहाँ खाना खा के आ गया, तो बस मेरे को चाय पिला दे या सेक पिला दे, माँ चल पहले तो बनाना सेक पिलाऊंगी बाद में चाय बना दूंगी, तो बस अभी सेक बनाने लग गई। और कोथली में मैंने है ना बिल्कुल थोड़ा सा ही सामान मंगवाया, मम्मी ने कह दिया था बोला कुछ मत मंगा, यहाँ पड़ा पड़ा फिरेगा खाया जाएगा ही नहीं, क्योंकि इतना सामान हो जाता है, पहले ही मटरी रखी हैं, समोसे रखे हैं छोटे वाले, आटे के बिस्किट भी रखे हैं और जलेबी रखी हैं, तो मम्मी बोली आधा किलो घेवर मंगा लेना बस। तो फिर मैंने मेरे भाई को बोला ना कि तू आधा किलो घेवर ले आ और फ्रूट वगैरह ले आना और कुछ मत लेके आना, फिर बोला आधा किलो घेवर का तो क्या लाऊंगा, तो मेरा भाई अभी घेवर ले आए हैं और फ्रूट ले आए हैं, बस यही सामान मंगाया मैंने और कुछ नहीं मंगाया है, तो ये मेरा कोथली का सामान है। और इतने सामान का करें भी क्या, अभी हमारा लेना देना बस यहाँ पे संतोष आंटी और कृष्णा आंटी के साथ ही था, तो कृष्णा आंटी तो चली गई अभी दूर और संतोष आंटी अभी गांव गई हुई है, तो किसके यहाँ बांटे, गांव में तो जैसे कोथली आ जाए कितना भी सामान आ जाए सारा बटने में चला जाता है, इतने जनों को देना होता है, लेकिन यहाँ तो कहीं नहीं बांट के आते हम, जो भी सामान आता है घर पर ही रहता है, फिर इतना हो जाता है ख़राब ही होता है, जैसे पहले पतास लेके आया करते मेरा भाई, तो वो पतास है ना ऐसे ही रखे रहते और वो जब बिल्कुल ही जैसे नरम नरम हो जाते ना तब मैं उनकी चाय बनाती, कहीं यूज नहीं होते पतासे, पहले हम बच्चे थे ना बहुत पतास खाया करते, दिवाली पे खिलौने आते वो खाते, लेकिन अभी तो ना तो कोई पतास खाता ना कोई खिलौने खाता, तो ये सारी चीज़ें तो अभी फैल ही हो गई, तो इसीलिए हमने बस थोड़ा सा ही सामान मंगाया। और चाय पीने सेक पीने के बाद फिर कई देर तक हमने करी थी बातें, और अभी मैं फिर दोबारा लग गई हूँ चाय बनाने, और चाय भी बन गई है, आ जाओ आप सब भी गर्मा गर्म चाय पी लो, साथ में मटरी है, नमकीन है और आटे के बिस्किट हैं, वो भी देसी घी के बहुत टेस्टी लगते हैं आटे के बिस्किट भी, और छोटे वाले समोसे हैं, तो चाय बन के तैयार हो गई और चाय पानी हमने पी लिया है, रख देती हूँ सारा सामान वापस, नहीं तो सील जाएगा, अभी मौसम भी ऐसा बारिश का चल रहा है, तो नमकीन तो है ना डिब्बों में भी सील जाती है, तो इसीलिए मैं फटाफट सारा सामान वापस से डाल के रख दूँ। और घेवर खा लो भाई, एकदम देसी घी का बढ़िया घेवर है, तो मैं तो खाती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। और मैं एक बात और बतानी थी, मतलब सूट भी मैंने कोथली का नहीं मंगवाया है, क्योंकि मैं मंगवाती नहीं, हमारे घर की दुकान है तो इसी में से पसंद कर लेते हैं, जौन सा मेरे को पसंद आता है मैं कर लेती हूँ और जौन सा मम्मी को पसंद आता है मम्मी कर लेती है, तो इसलिए मैंने बोल रखा है मेरे भाई को मेरी माँ को कि मेरे को तो पैसे दे देना, तो जब भी मेरी कोथली या सीधे आते हैं या फिर मैं घर जाती हूँ तो हमेशा पैसे ही लेके आती हूँ और सूट अपनी दुकान में से पसंद करके और तब सिलवा के पहन लेते हैं। और अभी शाम के 5 बज गए हैं और मेरे भाई जा चुके हैं वापस, लेकिन अभी घर नहीं गए हैं, अभी गए हैं सुमित के साथ हॉस्पिटल का टूर करने, हॉस्पिटल देखने, क्योंकि मेरे भाई ने है ना अभी तक हॉस्पिटल नहीं देखा है, आते टाइम भी सीधे घर ही आ गए, मैं पूछ रही थी मैं हॉस्पिटल देख के आए क्या, बोले नहीं अभी नहीं जाते टाइम ही देखूंगा, तो सुमित सीधे घर ही लेके आ गए थे, तो उसने हॉस्पिटल देखा ही नहीं है। और जब इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ ना तब भी मेरा छोटा भाई और मेरे ताऊ का लड़का आया था, तो ये वाला भाई आ नहीं पाया था, तो क्योंकि उस टाइम पे है ना हमारे घर में चढ़ाई का तोड़ा फोड़ी का काम चला हुआ था, हमने है ना एक बहुत ही पुराना, हमारे घर के पास में ही एक घर लग रहा था बहुत पुराना, 200 साल पुराना, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, तो वो खरीदा था, तो उस टाइम पे उसकी तोड़ा फोड़ी चल रही थी और उसकी जगह पे कुछ और बनाया है, वो जब मैं गाँव जाऊँगी ना अपने मायके जाऊँगी तब मैं आपको अपने पूरे घर का टूर करवाऊँगी, इतना बड़ा घर हो गया अब तो हमारा, तो पूरा घर मैं गाँव जाने के बाद आपको दिखाऊँगी कैसा बना है। तो बन तो गया है अभी हमारा, बस जैसे पेंट बाकी है, प्लस्तर बचा हुआ है और एक दो मतलब खिड़की दरवाजों का काम बचा हुआ है, तो अभी ये काम बचा हुआ है, अभी तक भी हमारी मतलब पूरा काम हुआ नहीं है चढ़ाई का, तो ये थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, तो उस टाइम पे है ना यही था भाई, दो भाई है मेरे,
तो छोटे वाला इधर आ गया था, तो बड़े वालों को काम संभाल रहा, तो एक का तो उधर होना जरूरी था, तो इसलिए एक ही भाई आ पाया था। फिर मेरे ताऊ के लड़के लड़का आ गया था साथ में, मेरे सगे ताऊ का, मेरे सगे ताऊ के भी दो लड़के हैं तो वो आ गया था साथ में, तो इसलिए इसने अभी तक तो हॉस्पिटल देखा ही नहीं था। तो अभी सुमित लेके गई है हॉस्पिटल दिखा के, और उधर की उधर ही चले जाएंगे, वापिस घर नहीं आएंगे, मतलब घर से तो चले गए हैं अभी। और आज के ब्लॉग में मेरे भाई को आपने देखा भी नहीं होगा, बड़े वाला भाई ये, पर इसने आते ही कह दिया मेरी वीडियो मत बनाना, चल नहीं बनाऊंगी तेरी वीडियो, आते ही मना कर दिया। तो आज की वीडियो में वो बिल्कुल ही नहीं दिखे कहीं भी। पर पहले जब मैं गांव गई हुई थी ना, तो जब मैंने व्लॉग बनाए थे गांव के, तो उसमें तो दिख रहे मेरे भाई, तब तो मना नहीं किया, लेकिन आज मना कर दिया। पता नहीं इनका, मेरे दोनों ही भाई ऐसे हैं, कभी मन करता है तो बनवा लेते हैं, नहीं तो कहते हमारी वीडियो मत बनाना, ऐसे ही होता है ना, शर्माने लग जाते हैं। सुमित भी कभी कभी देख लो, सुमित के जैसे मैं और मम्मी दोनों व्लॉग बनाते हैं, लेकिन यहाँ अगर सुमित का कभी मन नहीं किया ना, तो ये बोल दे मेरी वीडियो मत बनाना, तो एक आध बारी वीडियो में लेती हूँ मैं सुमित को, मना कर देते हैं, तो यही होता है, शर्माते ज़्यादा हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो मेरे भाई नहीं दिखे, पर अभी आगे कभी जाऊंगी ना गांव में, तब मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, दोनों भाइयों की वीडियो बनाऊंगी। चलो तो अभी इस वीडियो का यही एंड कर लेती हूँ, और आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।